एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नित्य रास में गोपी जनों के पास नित्य रात्रि में रस विलास करते थे, आनंद मगन होकर जो जिस भावना से उपासना करता ठाकुर जी वैसे सुख देते, ये गोपीजन कांत भाव से, प्रीतम भाव से, पति भाव से आराधना करती, तो प्रभु वैसे ही हास्य विनोद रस क्रीड़ा करते। तो एक दिन सब गोपियां बैठी हुई थी और बहुत समय व्यतीत हो गया, प्रभु नहीं आए। तो फिर इसके बाद जब प्रभु आए तो गोपीजन उन्होंने पूछा, आज बहुत विलंब हुआ सरकार। बोले, आज हमारे गुरु जी आए थे। आपके गुरु जी आए थे? बोले हाँ, पल्लीपार यमुना के हैं। कौन गुरु जी है? बोले दुर्वासा जी आए थे, भगवान संतों का आदर करते हैं। बोले फिर तो आपके गुरु जी के दर्शन हम भी करेंगे, बहुत सूक्ष्म विषय है। बोले हाँ, गुरु जी के दर्शन ऐसे नहीं कर रहे किए जाते, अगर गुरुजनों के पास जाया जाए तो शास्त्र में भी आता है, भले वो आप दूब लेके जाइए, दूब अंकुर, कोई पत्र, कोई फल, कोई पुष्प, लेकिन खाली हाथ गुरुदेव के चरणों के समीप ना जाए, ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। गोपीजनों ने कहा, पत्र पुष्प फल क्यों ले जाएंगे, हम तो बढ़िया ले जाएंगे, गुलाब जामुन, पुआ, खीर, पूड़ी, अभी हम सब मिलकर तैयार करती, तैयार किए। अब वहां एक दो तो थी नहीं, यूथ की यूथ, मतलब अगर पुआ पूड़ी का एक जगह स्टॉक किया जाए तो छोटे मोटे गिरिराज जी, क्योंकि संपूर्ण ब्रजवासिनी, और गुरु जी आए हैं प्रीतम के, तो खूब सब। जब चली तो उनका प्रीतम, एक बात बताओ, यमुना जी बड़ी हुई है और रात्रि का समय, नाविक मिलना तो मुश्किल, और नाविक भी मिलेगा तो सुबह तक पार हो पाएंगे, क्योंकि एक दो तो है नहीं। तो उनका यमुना जी से कहना, यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। हंसी, क्योंकि सबको पता चला कि कैसे हास्य विनोद करते, कैसे अटकेलिया करते। गई यमुना जी से कहा कि यदि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी तो मार्ग दे दो। यमुना जी हट गई, पूरा थल की तरह जल एकदम हटकर सूख गया और निकल गए। आश्चर्य हुआ कि भगवान कैसी बात कर रहे हैं। दुर्वासा जी के पास गई, प्रणाम किया और कहा, महाराज ये भोग स्वीकार करो। बोले आ डालो। अब वो मुंह बगाड़ दिए, सब डालते, सब इतना किनका भी नहीं बचाओ, सब पहाड़ के पहाड़ हो, सब भागे। प्रणाम किया, बड़े आश्चर्य में, महात्मा है, शरीर हड्डी हड्डी पेट का ही दिखाई नहीं दे रहा, चिपका हुआ, और मनो खीर पुआ सब पा गए। बोले महाराज यमुना जी बाढ़ी हुई लौट के जाने। बोले आई कैसे थी? बोले प्रभु ने कहा था कि अगर हम अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। तो बोले जाओ यमुना जी से कह दो कि दुर्वासा ने यदि दूब के अंकुर के सिवा अपनी जबान में कभी कुछ रखा ना हो तो मार्ग दे दो। गोपिका हंस पड़ी, बोले माल गए, गुरु चेला दोनों झूठे। वो कहते अखंड बाल ब्रह्मचारी, अभी मनोपुआ खीर खा गए, और कह रहे दुर्वासा ने दूब का रस के सिवा और कभी कुछ आहार न किया हो तो मार्ग दे दे। गई जाके यमुना जी से कहा कि अगर दुर्वासा जी ने कभी दुर्वांकुर के रस के सिवा कुछ जिभ्या में न रखा हो तो आप मार्ग। यमुना जी हट गए, आश्चर्यचकित हुई, और जाके प्रभु से कहा कि प्रभु आपके गुरु जी के दर्शन किए तो एक प्रश्न खड़ा हो गया, जैसे गुरु वैसे ही चेला। तो प्रभु ने कहा ऐसा क्या? अब बोले बाहु प्रसार परिरम्भ कराल को जो रास में वर्णन है, कौन सा ऐसा रस क्रीड़ा है जो आप ना खेलते हो? स्पर्श करना, आलिंगन, चुमरम्भन, परिरम्भन आदि सब, फिर आप ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्मचर्य का तो बिल्कुल अलग स्वरूप होता है, और हमारे सामने पुआ पकौड़ा खीर और सब रस मलाई सब पा गए, और कहते दुर्वांकुर किसी व जिभ्या में कुछ न रखा हो। तब इसी बात को प्रभु ने बताया कि जो अहम शून्य महात्मा है, जिनका अहम पूर्ण रूप से लय हो चुका है परम तत्व में, उन्होंने नहीं पाया, तुम्हारी इच्छा थी, तुमने उनको ऐसे डाल, तो पूरे सृष्टि के मुख में जैसे जा रहा है ऐसे उनके मुख में जा रहा है, वो अहम भोक्ता बन के नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने नहीं पाया। आपकी दृष्टि में पवाया गया, आपकी दृष्टि में वो पाए, लेकिन स्वयं ना उनकी इच्छा है ना वो भोक्ता है, इसलिए उन्होंने नहीं, इसलिए उनका वचन सत्य है, स्वयं में कभी आहार रूप से स्वीकार करते हैं तो केवल दूब कांक, और हम स्वप्रतिबिंब भी भ्रमा, जैसे छोटा सा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेले, ऐसे गोपियों के आत्मा रूप में, उनके पतियों के आत्मा रूप में, और चराचर जगत के रूप में जो परम तत्व विराजमान है, वही श्री कृष्ण स्वरूप से क्रीड़ा कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी है।
स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे छोटा सा बालक कांच के मंदिर में अपने ही प्रतिबिंब से खेलता है, ऐसे गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशाम में उच्च, गोपी गोपियों के पति और साफ चराचर जगत की जो आत्मा है वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी। तो हमको अपने कर्मों का फल इसलिए भोगना पड़ता है कि हम अपने कर्म मानते हैं और हम स्वयं अहम से एक शरीर में सीमित हो गए हैं, इसलिए भोक्ता बनना ही पड़ेगा, जबरदस्ती बनना पड़ेगा। यदि आप कर्ता बनेंगे और आप कुछ ना बनो तो देखते रहो जो कुछ हो रहा है, आप जीवन मुक्त हो जाओगे।